Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना सिंघल आज आपके सामने ट्रिपल तलाक संबंधी कुछ जानकारियां लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जब ये बिल मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया गया था तब इस बिल ने कितनी ही मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदल दी थी। तीन तलाक बिल हजारों मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नया सवेरा भी लेकर आया था। इस बिल को पास होने में दोस्तों काफी लंबा संघर्ष भी करना पड़ा और यह बिल मुस्लिम महिलाओं के लिए कितना जरूरी था आज ये हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस्लाम धर्म में तीन तलाक के तीन तरीके हैं, जिसमें एहसान, हसन और तलाक बिद्दत तीन तलाक शामिल हैं। जी हाँ, इन तीनों में एहसान और हसन से तो पीछे हटा जा सकता है, लेकिन तलाक बिद्दत से मुंह करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यानी अगर एक बार मुस्लिम पति ने अपनी पत्नी से तीन बार तलाक बोल दिया तो वह उससे पलट नहीं सकता। जब भारत में वर्षों से तीन तलाक यानी तलाक बिद्दत जैसी कुप्रथा से मुस्लिम महिलाएं पीड़ित थी, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिला। सन 1970 और 80 के दशक में शाह बानो ने इसके खिलाफ एक लंबा संघर्ष भी किया। सन 1985 में संसद में शाह बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया था। उस समय शाह बानो 5 बच्चों की माँ भी थी और वह पूरी तरह से तीन तलाक जैसी कुप्रथा से पीड़ित थी। शाह बानो तीन तलाक जैसी कुप्रथा से पीड़ित होने पर मोदी सरकार ने अपनी इस भूल को सुधारा और इसी के साथ भारत एक नए युग में प्रवेश कर गया। तीन तलाक पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसमें 5 जजों की पीठ ने तुरंत तलाक देने के इस रिवाज को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है। दोस्तों, उत्तराखंड की सायरा बानो की याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। सायरा बानो को उनके पति ने तीन बार तलाक लिखकर चिट्ठी भेजी थी, तब सायरा बानो ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। सायरा की याचिका के साथ 4 और मुस्लिम महिलाओं की याचिका भी जोड़ दी गई थी। 25 जुलाई को लोकसभा ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को पारित किया था। यह बिल तीन तलाक के नाम से भी चर्चित है, जिसमें एनडीए के सहयोगी दल जदयू ने इस बिल पर बहस में हिस्सा नहीं लिया था। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में यह बिल पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस मसले को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह महिलाओं के लिए न्याय, सम्मान और बराबरी से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को कहा कि सभी को राजनीतिक मुद्दों से ऊपर उठकर इस मामले को देखना चाहिए और यह लैंगिक न्याय की जीत को दर्शाएगा। यानी 25 जुलाई मंगलवार को यह बिल लोकसभा में भी पास हो गया। दोस्तों, जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री ने तुरंत यह बिल लोकसभा में पेश किया था, तीन तलाक के मामले में 3 साल की जेल का प्रावधान करते हुए इसे आपराधिक मामला भी बताया गया था, तब यह बिल लोकसभा से पारित तो हो गया था। हालांकि राज्यसभा में सजग बहुमत ना होने के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका था। दोस्तों, जिन पार्टियों ने इस बिल का विरोध किया था उसमें AIMIM, JDU और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों ने मौजूदा प्रारूप बिल का विरोध किया था। विपक्षी दलों के विरोध का मुख्य कारण बिल में अपराध संबंधी क्लॉज जोड़ने से इसका मुस्लिम पुरुष के खिलाफ गलत इस्तेमाल हो सकता है। विपक्षी दलों का यह भी कहना था कि इस बिल में 3 साल की जेल और 3 तलाक देने वाले पुरुष को भरण पोषण के लिए मुआवजा देने का प्रावधान है। तब सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इस बिल को पारित कराने में एक लंबे संघर्ष का भी सामना करना पड़ा। इस बिल को पारित कराने के लिए 3 बार अध्यादेश और 3 बार विधेयक लाने के बाद ही इस बिल को संसद से मंजूरी मिल पाई थी। सबसे पहले मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे संसद से मंजूरी मिल पाई थी। सुप्रीम कोर्ट के सबसे पहले 28 दिसंबर 2017 को सरकार ने लोकसभा में विधेयक पेश किया था। हालांकि लोकसभा से विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में यह विधेयक अटका रहा।
19 सितंबर 2018 को सरकार अध्यादेश लाई, 17 दिसंबर 2018 को नए सिरे से लोकसभा में विधेयक लाया गया, राज्यसभा में लंबित रहने पर अटका, दूसरी बार 12 जनवरी 2019 को दूसरी बार अध्यादेश लाया गया, राज्यसभा में 3 फरवरी 2019 को तीसरी बार अध्यादेश लाया गया, तीसरी बार सरकार ने 21 जून 2019 को लोकसभा में नए सिरे से विधेयक को पेश किया, 25 जुलाई 2019 को नई लोकसभा से मंजूरी मिल गई इस बिल को और आखिरकार 30 जुलाई को राज्यसभा से भी यह विधेयक पारित हो गया और इस पर एक नया कानून बन गया। जी हाँ दोस्तों, 84 विपक्ष के साथ ही 99 पक्ष में यह बिल मतों के साथ पारित हो गया और एक तलाक जैसी लंबी कुप्रथा का अंत हो गया, जिसने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी थी, जिसमें मुस्लिम महिलाएं अब इस जाति से आज़ाद हो गई थी और कहीं ना कहीं सच्चाई की जीत और वोट बैंक की राजनीति की हार। इसी के दौरान मोदी सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए अपने सबसे प्रमुख वादे को पूरा किया। शाबानो से लेकर सायरा बानो के सफर को एक मंजिल मिल गई। देश भर में हजारों मुस्लिम महिलाओं ने मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और मोदी सरकार को 3 तलाक जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक नया कानून लाने के लिए धन्यवाद भी दिया और इस कानून को बनाने के साथ ही अब मुस्लिम महिलाओं के चेहरे पर एक खुशी है और अब वह इस 3 तलाक जैसी कुप्रथा से आज़ाद हो गई है। जी हाँ दोस्तों, इतने लंबे संघर्ष के बाद मुस्लिम महिलाओं के लिए यह बिल एक सूरज की एक नई किरण लेकर आया था, जिसने मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने में मददगार साबित हुई। महिलाओं के चेहरे पर एक खुशी बिखेर दी थी इस बिल ने। जब यह बिल पास हुआ उस समय सभी मुस्लिम महिलाएं जश्न मना रही थी और इस बिल के पास होने पर केंद्र सरकार का धन्यवाद भी कह रही थी। राज्यसभा में ये बिल 84 विपक्ष और 99 पक्ष मतों के साथ इस बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिली थी। जब यह बिल पास हुआ तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने यह बिल मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नए सवेरे की किरण बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल लैंगिक समानता को लेकर आएगा और इस बिल से मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से दर्जा भी मिलेगा। तो यह थी मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक को लेकर संघर्ष की कहानी, जिसे केंद्र सरकार द्वारा पूरी की गई, जिसने मुस्लिम महिलाओं के जीवन में खुशियां बिखेर दी और 3 तलाक यानी तलाक के बिद्दत जैसी कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को हमेशा के लिए निजात दिलाई। धन्यवाद।